नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से। मैं दोस्तों आज हम बेसिक पिज़्ज़ा डो के साथ तवे पर पिज़्ज़ा बेस आसानी से घर पे कैसे बनाया जा सकता है इसके रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं तवे पर पिज़्ज़ा बेस। तो एक मिक्सिंग बाउल में हम ल्यूक वार्म वाटर, बिल्कुल उंगली सहने लायक गर्म पानी हम लिए हैं और इसमें डालेंगे, ये पानी है 3/4 कप। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट। मिक्स कर लें और ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और ये ईस्ट ये देखिए फूल गई है। तो ये एक दूसरा बोल है, बड़ा बोल, इसमें हम ले लिए हैं 2 कप मैदा और इसमें ये जो घोल है इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून के करीब मिक्स कर लेंगे। तो ये डो जो है हमारा, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और एक्स्ट्रा पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरा कप है, 200 ml का कप है, ये 8 ounce, और इस कप से मैंने 2 कप फुल हीप्ड नहीं, बिल्कुल लेवल में मैदा लिया था और इसी कप से 3/4 कप मैंने पानी लिया था। तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है डो। अब ये थोड़ा राइज होने के लिए मेरे को इसे रखना है, तो हम इसमें थोड़ा सा सरफेस पे ऑलिव ऑयल लगा देते हैं और इसे ढक के छोड़ देते हैं तकरीबन 1 घंटा, या फिर जब तक ये साइज़ में लगभग डबल नहीं हो जाता। तो 1 घंटे बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए साइज़ में डबल लगभग हो गया है, काफ़ी अच्छा सा फूल गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालकर पंच कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। किचन प्लेटफॉर्म पर इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा सा फिर से सूखा आटा डालकर 1-2 मिनट के लिए इसे नीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसे 4 equal portions में डिवाइड कर लेंगे। तो ये मैंने 4 equal portion में बांट लिया इसको और इनके पेड़े बना लेते हैं और ये सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। एक गीले कपड़े से इसे ढक कर रख देते हैं ताकि जो ऊपरी सरफेस है वो सूखे नहीं। एक पेड़ा निकाल लेंगे और इसे फिर से रोल कर लेते हैं। किचन टॉप पे वापस से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, मैदा सूखा डस्ट करेंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। लगभग 6-7 इंच ब्यास के पिज़्ज़ा हमारे बनकर तैयार होंगे। अभी आपको देखने में हल्का पतला लग रहा होगा लेकिन ये फूलेगा जब हम इसे सेकेंगे। तो थोड़ा सा प्रिक कर लेते हैं ताकि बिल्कुल फूल ना जाए। गैस जलाकर बिल्कुल धीमी आंच पर तवा रखेंगे। इस पर हम एक बटर पेपर रखेंगे, अगर बटर पेपर ना हो तो नॉर्मल कोई भी पेपर जो प्रिंटिंग पेपर होता है तो उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं गोलाकार काट कर। और इसमें मैंने पिज़्ज़ा बेस डाल दिया है, इसे कवर करके 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे सेंक लेंगे। तब तक हम दूसरा पिज़्ज़ा बेस बेल कर तैयार कर लेते हैं। एक पेड़े में सूखा आटा लगाकर वापस से इसे बेल लेते हैं और बेल कर प्रिक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो एक तरफ से हमारा सिक चुका है पिज़्ज़ा बेस, इसे पलट लेते हैं। दूसरे साइड से भी सिर्फ 2 मिनट हमें इसे सेकना है, ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं सेकना है। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा फूल गया है और इसकी साइड्स देखिए काफ़ी रोल हो गई हैं फूल के। जिसे प्लेट में निकाल लेते हैं और जो पिज़्ज़ा हमने बेस हमने बेल कर तैयार किया है उसे फिर 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड से हम पलट पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए अच्छा सा बबल्स आ गए हैं, फूल गए हैं और चारों पिज़्ज़ा बेस हमारा बनकर इसी तरह से तैयार हो गया है। इसे हम ठंडा कर लेंगे और एक जिप लॉक बैग में इसे भर कर स्टोर कर लेंगे। 15 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ठंडा करके एक एक करके पिज़्ज़ा बेस सारे इसमें भरते जाएंगे और इस जिप लॉक बैग की हवा निकाल कर और लॉक लगा देंगे हम इसे और फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। लीजिए पिज़्ज़ा बेस तैयार है स्टोर करने के लिए। तो बेसिक पिज़्ज़ा डो के साथ पिज़्ज़ा बेस की मेरी ये रेसिपी तवे पर घर पे बिल्कुल आसानी से बनाई जा सकती है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।